बस मैं तो 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अर्शी अर्शी, स्क्रीन मैंने शेयर करनी है, तुम शेयर करोगी? जैसे मैं कर देती हूँ। तुम बोलो। मैं लगी हुई ही थी अभी तक, पूरा मॉडल ट्रेन नहीं हुआ, जितना हुआ मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, आज हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल देखना है, टाइम सीरीज डेटा सेट जो है। अनम, तुमने कल आई थिंक इतना इनफ डिस्क्राइब कर दिया कि हमें अब जरूरत नहीं है मजीद डिस्क्रिप्शन की, हम डायरेक्ट अपने मॉडल पर चलते हैं, ट्रेनिंग पर, ठीक है? हाँ हाँ, इसके फर्स्ट वाले सेल्स पे आ जाओ, जो यहाँ से यही वाला सेल है फर्स्ट। ठीक यही फर्स्ट है, वो पर मेरा अपना काम हुआ है। है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन है वो उस ऊपर सेलों में डला हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं खुद ऐसी ही डिफाइंड कर दूंगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर हम एक डेटा सेट ले रहे हैं जो के जिसमें मौसम के बारे में बताया गया है, एक ये डेटा सेट है, और इस डेटा सेट का नाम है, खैर हमने तो इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड किया है, ये एक टाइम सीरीज डेटा सेट है जिसमें वो बताएगा आपको टेम्परेचर के बारे में और किस टाइम पर, कितने बजकर कितने मिनट पर, के उस इलाके का मौसम किस तरह से होता है, इस टाइप का डेटा है। और ये आई थिंक दिल्ली, आई थिंक इंडिया का जो दिल्ली है उस का डेटा सेट है जिसको हम यहाँ पर यूज करने लगे हैं ना। तो यहाँ पर हम सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज मंगा रहे हैं, एंड यू नो दैट पांडाज एंड नंपाई एंड ब्ला 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 ब्ला, ये सब आप लोगों को पता ही है, ये सारी हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज मंगवाई हैं। देन हम यहाँ पर वो डेटा सेट हम आपको दे देंगे, मैं चैट में शेयर कर देती हूँ वो डेटा सेट, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना, उस डेटा को आपने मतलब वहां से उठा लेना है चैट से। अनम आई थिंक तुम शेयर कर दो ग्रुप में, इसमें क्लास में इन लोगों को, ताकि ये लोग अभी डाउनलोड कर लें वहीं से ही। तो ये हमने डेटा सेट उठाया है, ठीक है? इसमें कोई की वगैरह की जरूरत नहीं है कि कैगल के जरिए हम उठा रहे हैं, जस्ट आप लोग अपने सिंपल सिस्टम में इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ये एक जिप फॉर्मेट में हल्का यहां सा से डेटा शेयर हो सेट है। जाएगा। हाँ आई थिंक सो, ओके हो जाएगा, ये लोग खोल के देख लें कि वो डेटा सेट डाउनलोड हो रहा है इन लोगों के उस पर, तो दैट्स मीन के हो जाएगा, अदरवाइज फिर तुम इसको जो तुम्हारा स्लैक है उस पर शेयर कर देना। नहीं, मैं यहाँ चैट में शेयर कर देती हूँ। तुम अपनी सेल्स डिस्क्राइब करो, मैं शेयर कर देती ठीक है, हूँ। अच्छा ये डेटा सेट को अब हम यहाँ, आप लोग को इतना तो पता ही होगा, यहाँ से हम इसका पाथ कॉपी कर रहे हैं, और अब ये आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हम डेटा फ्रेम किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से अपने डेटा को रीड करते हैं, जो हमने पांडास में पढ़ा था, पीडी डॉट पांडास, लाइक जो हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं पीडी डॉट पांडास में, हम इसको सीएसवी फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं, ये एक जिप फॉर्मेट में है, हम इसको ओपन करेंगे एक सीएसवी फॉर्मेट में, ठीक है? यहाँ पर हमने इसको डेटा दे दिया, और डेटा देने के बाद हम यहाँ पर जो इसका टाइम टाइम यूटीसी है उसको हम कॉलम पर जो है हम प्रेस कर रहे हैं, कि ये इस कॉलम के हिसाब से ये थोड़ा सा वो हो जाए, इसलिए हमने ये इसको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि ये इस, अब यह इस तरह से हम इसका हेड चेक कर रहे हैं जो इसके फीचर्स हैं। अच्छा, इसके फीचर्स को हम चेक करने के लिए इस तरह से भी देख सकते हैं, लाइक ये तो हमें इस तरह से दिख ही रहे हैं कि कितने हैं, हम इसका शेप पता कर लेते हैं मजीद के लिए, जो डेटा हम लेकर आए हैं ये डेटा हमारा मजीद इसके अंदर क्या चीजें हैं, तो लाइक हम इसका ले लेते हैं df डॉट हेड, नहीं डॉट शेप, हमें शेप देखनी है ना इसकी, कि ये किस शेप में हमारे पास आया है, तो ये बता रहा है कि ये इतने सारे हमारे पास सैंपल्स हैं जो यहाँ पर हमारे पास एज अ रॉ सैंपल्स होंगे, और 19 इसके कॉलम्स हैं, ठीक है? जो ये 19 इसके कॉलम्स यहाँ पर होंगे, सही है? ठीक है, ये 19 कॉलम्स हैं। अच्छा, अब ये इसके 19 कॉलम्स हैं,
अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कॉलम्स को। लाइक मैं थोड़ा सा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं थोड़ा सा गंदा गंदा करके काम करती हूँ। लाइक मैं थोड़ा सा ऊपर जा रही हूँ। जब हमारे पास कॉलम्स आ जाते हैं तो कॉलम्स में फिर हम कोरिलेशन देखते हैं। हमेशा याद रखें कि कौन सा कॉलम को किसके हिसाब, उसके उससे कितना कोरिलेवेंट है, तो वो फीचर हमारे लिए यूजफुल है भी या नहीं। अब अगर एक डेटा सेट हम उठा रहे हैं, मतलब ये देख रहे हो आप, इसमें फॉग भी है, हील भी है, हीट इंडेक्स भी है, और ये इन्होंने कि शॉर्ट वे में मतलब ये सब बताया, रेन है, स्नो है, उस इलाके में क्या कितनी होती है, ओवरऑल ये सब बताने की कोशिश करता है। अच्छा अनम, तुम थोड़ा सा इस चीज को डिस्क्राइब कर सकती हो कि एक्चुअली हम इस डेटा से निकालना क्या चाह रहे हैं? एक्चुअली हम ये देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में यहाँ का वेदर कैसा रहा है। तो अब अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहें कि अगले कुछ टाइम में वेदर कैसा होगा, तो उसके लिए हमें उसकी डिटेल्स में जाना होगा। कितनी दफ़ा स्नो हुई थी, हेल कितनी दफ़ा था, कितनी दफ़ा टेम्परेचर कितना रहा, तो उसकी भी अच्छा उसमें फिर हम फीचर्स को देखेंगे कि फीचर्स कितने बैलेंस्ड हैं। अगर उसमें से कोई क्लास, कोई फीचर इतना अनबैलेंस्ड होगा कि जिसमें कहीं तो 0 आ रहा है, कहीं 1000 आ रहा है, तो समटाइम्स उसको ट्रेनिंग से पहले हम उस वाले फीचर को रिमूव भी कर देते हैं। रिमूव का एक ऑप्शन होता है, और आई थिंक ड्रॉप ड्रॉप एन ए करके भी शायद कोई ऑप्शन होता है जिसके जिसके साथ हम जी इसको कर सकते हैं। तो अभी जी हम इसको, हम डेटा को रीड कर रहे हैं कि डेटा के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें पड़ी हैं, उनकी वैल्यूज कितनी हैं, नॉन वैल्यूज कितनी हैं, और कुछ वैल्यूज अब प्रेशर समथिंग में देखो, एम में -9999 तक है। तो अगर इसी में कोई वैल्यू ऐसी होगी जो 0 पे जा रही होगी, तो वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ रहा होगा। तो दैट्स व्हाट फिर हम उसको देखते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पे सिर्फ इसको रीड किया है। डेटा को हम सिंपली रीड कर रहे हैं। अनम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका सारा इन्फो निकाल रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को कि ये पांडास का एक बिल्ट इन फंक्शन है इन्फो, जिसमें ये सब हमें ये दिखा रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई इसमें कितनी एंट्रीज हैं। ठीक है, और इसके एंट्रीज के जो इंडेक्सेस हैं वो किस तरह से 0 से शुरू हो रहे हैं और यहाँ तक खत्म हो रहे हैं 89 तक। ठीक है, ये हमारे पास सारे कॉलम्स आ गए, 19 जो हमारे पास कॉलम्स हैं। अच्छा, अब ये इसमें हमें सब बता रहा है कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कौन से फ्लोट हैं, कौन से इंटीजर्स हैं, तो ये सारा हमें इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब हम इसमें ये चीजें भी नोटिस कर रहे हैं कि आप ये देख रहे हो इसमें कि यहाँ पर तो बिल्कुल 0 वैल्यूज हैं, नल वैल्यूज, कुछ भी नहीं मौजूद, और यहाँ पर पूरी पूरी वैल्यूज हैं, कहीं कम है, कहीं मौजूद ही नहीं है। तो ये एक रॉ फॉर्म में डेटा है, जैसे कि पिछली दफा हमने एक लाइक बिल्कुल जिसका कंप्लीटली ईडीए हुआ हुआ था वो डेटा सेट उठाया था। अभी ये जो डेटा सेट है ये बिल्कुल एक रॉ डेटा सेट है, हमें इसको सब कुछ प्री प्रोसेस करना है इसका। तो हम सबसे पहले तो डेटा को देखेंगे कि डेटा में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स, वैल्यूज हैं, मतलब 3 टाइप ऑफ डेटा इसके अंदर मौजूद है। फिर हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं लाइक उसमें बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज भी हैं। फिर हम इसमें ये देखेंगे कि इतने सारे फीचर्स देने से क्या हमारा मॉडल बहुत अच्छा ट्रेंड हो सकता है, तो हम इस सारे फीचर्स रखेंगे। अगर इनके अंदर बहुत अच्छा कोरिलेशन मौजूद होगा तो हम इन चीजों को रखेंगे, अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को हैवी नहीं करेंगे, उन सारे कॉलम्स को ड्रॉप कर देंगे, सिर्फ उन फीचर्स को उठाएंगे जिसके अंदर हमें रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन दिख रहा होगा कि हाँ भाई इस चीज को ज्यादा करने से भाई इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ रहा है, और जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस वेरिएबल के होने से हमारे आउटकम में, तो हम उसको नहीं रखेंगे। इससे क्या होता है, इससे हमारा मॉडल जो है एक तो उसकी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती और खामखाई वो इतना हैवी हो जाता है और प्रिडिक्शंस में भी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो अब ये डेटा सेट हमारा निकल कर आया है पूरा, जिसको अब हम प्री प्रोसेस करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो डेटा सेट है आप लोग अच्छा, पूरी यहाँ पे तरीके मैं एक चीज, एक जगह मैं हाँ पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि वो ज्यादा आसान भी है। वैसे तो ये काफी आसान करके बता दिया है, लेकिन स्टिल जैसे एक डेटा सेट हो जिसमें हमने किसी की सैलरी को वो आइडेंटिफाई करना हो कि पिछले
कुछ सालों में उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है, उसकी और उसकी कारकर्दगी भी क्या रही है, और उसके बाद हम उसके सैलरी को डिफाइंड करना चाहें तो वहां पे अगर एक फीचर उसकी हाइट का या उसकी जैसे एक फीचर हाइट का ऐड है, तो हाइट या वेट इससे रिलेटेड नहीं है, तो वो फीचर हम ऐड करेंगे तो वो ज्यादा हमारे मॉडल को हैवी करेगा, वो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। तो हम जब रीड करेंगे डेटा को हम देखेंगे कि वहां पे अगर को पूरा का पूरा कॉलम ही ऐसा है जो इररिलेवेंट है, तो उस पूरे कॉलम को हटा देंगे। ओके बस okay. अब तो हाँ तो अब लाइक अनम ने हमें बताया कि किस तरीके से फीचर्स हमारे लिए रेलिवेंट होना जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि भाई क्या फीचर कितनी वो रखता है इसके अंदर हमारे लिए। ये हम सारे फीचर्स की ये देख रहे हैं कि भाई इसका इसको काउंट कर रहे हैं कि कितने इसमें कितने उसके सैंपल्स पड़े हैं। ठीक है, ये आप लोग को दिख रहे होंगे, कुछ मिसिंग हैं, कुछ पूरे हैं, कुछ मौजूद ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसका मीन निकाल रहे हैं, इसका मीन ये निकल रहा है, ये सब आप लोगों को दिख रहा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम है, 25 परसेंटाइल इसका ये निकल रहा है, 50 परसेंटाइल ये निकल रहा है, 75 परसेंटाइल ये निकल रहा है, मैक्स वैल्यू इसकी ये निकल रही है। ये आपको ये सब आप लोग खुद करके देखिएगा और इन सबको पढ़िएगा भी कि ये काउंट क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ताकि आप लोगों को ये सब पता हो। अगर एक एक चीज एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो वो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ही जाकर आप इसका पांडास में जाके देखिएगा कि डिस्क्रिप्शन में जो जो हम फीचर्स इसके निकालते हैं वैल्यूज, वो कितनी हमारे लिए यूजफुल है। अच्छा अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं इसमें कि अब हम नहीं स्टैंड सॉरी नहीं कुछ नहीं। ओके अब हम यहाँ जा रहे हैं इनका कोरिलेशन देखने के लिए। ठीक है, अच्छा ये द मेन टास्क ऑफ द डेटा फ्रेम डॉट कोरिलेट कोरिलेशन जो होता है मेथड इज फाइंड द प्री वॉइस कोरिलेशन ऑफ द ऑल कॉलम इन द डेटा। इफ एनी नल वैल्यू इज प्रेजेंट इट विल ऑटोमेटिकली बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, कोरिलेशन क्या करता है ये आप लोगों को समझ आ रहा है कि ये फाइंड करता है कि भाई कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, और ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है। यूज पांडास के पांडास का जो हम यूज करने के लिए जा रहे हैं, ये ऊपर जो हमने यूज करा है कोरिलेशन, तो ये क्या करता है, अमंग द कॉलम इन द डेटा फ्रेम यूजिंग कैंडल मेथड्स। अच्छा इसमें तीन मेथड्स हैं जो अभी हम यूज करने जा रहे हैं, वो कैंडल मेथड्स यूज करने के लिए जा रहे हैं। इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इन डिटेल कि ये मेथड एक्चुअली करता क्या है। मतलब इसमें तीन मेथड्स आते हैं कोरिलेशन में, हम यहाँ पर कैंडल मेथड यूज कर रहे हैं। जस्ट ये आपको इस तरीके से शो कर देगा बेसिकली कि ये कि आप इसमें रिलेशन देख सकें कि ये इसके अंदर किस तरीके से ये रिलेशन बन रहा है एक ग्राफ के जरिए, कि भाई जो फीचर आपस में कोरिलेट कर रहे हैं उनमें कितना एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि इसके बढ़ने से ये चीज कम हो रही है, उसके बढ़ने से कोई चीज बढ़ रही है कम हो रही है, तो उसको हमें रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए उस कॉलम को। तो ये सारा आपस में कोरिलेशन दिखा रहा है इनका, ये इसका इसमें इन दोनों का आपस में कोरिलेशन 0.01 है। अच्छा ये जो वैल्यूज हैं जो अपने ही को वो बनाएंगे चलेगी इसमें, जो ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है ये कि जो रॉ होती है द डेटा आउट डेटा फ्रेम कैन बी इंटरप्रेटेड एज फॉर द एनी सेल रॉ वैल्यू कोरिलेशन द कोरिलेशन वेरिएबल इज द वैल्यू ऑफ द सेल एज द मेंशन क्लियरली। हाँ ये द कोरिलेशन ऑफ द वेरिएबल विद द इट्स सेल्फ इज वन, डेफिनेटली उसके होने से उसका तो कोरिलेशन वन ही होना है ना, जो खुद अपने ही उससे वो कोरिलेट करेगा तो उसका तो डेफिनेटली वन ही होगा। जैसे ये आप देख रहे हैं इनका आपस में वन है, फॉग का आपस में नीचे देखेंगे जो ये फॉग इसका आपस में जब ये आपस में जो ये दोनों कॉलम मैच करेंगे उनका हमेशा वन ही होगा। अच्छा अब वन से जो ऊपर वैल्यूज जाती हैं वो हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वन से नीचे की जो वैल्यू होती हैं इसमें थोड़ा सा वो होता है ये हमें देखना पड़ता है। लाइक जैसे ये वैल्यू आ रही है हमारे लिए बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं है, इसी तरीके से ये जैसे 0.73 आ रही है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। तो इस तरीके से हम इनका कोरिलेशन देखते हैं कि कितना वो हमारे लिए वैल्यूएबल है हमारे मॉडल के लिए।
अच्छा, अब ये कोरिलेशन क्रिएट करने के बाद तो हमें पता चला कि भाई ये सारे जो कॉलम हमारे पास हैं ये सब हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो इसमें से क्या करेंगे, हम उन कॉलम्स को ड्रॉप कर देंगे जो हमारे लिए, हमारे मॉडल के लिए हेल्पफुल नहीं होंगे उसकी प्रेडिक्शंस के लिए। अच्छा, यहाँ पर हम जस्ट कॉलम्स को कॉल कर रहे हैं कि इसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं। अभी तो इस तरह से हमें मिक्स होकर कॉलम दिख रहे हैं ना, तो ये 19 वो कॉलम्स हैं जो कि हमारे पास इस डेटा सेट में मौजूद हैं। अब इनमें से हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम इसको इसमें रख देंगे। और इस तरीके से हम ये देखेंगे कि भाई ये देख रहे हैं आप कि इसके अंदर लाइक ये यहाँ से तो ये हो गया, अब यहाँ मैंने मिक्स कर दिया सारा ना अपनी नोटबुक को। अच्छा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आप ड्रॉप कर रहे हैं जो कॉलम्स हमें नहीं चाहिए उनको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उनको हम यहाँ ड्रॉप कर देंगे। किस सेल में मैं ड्रॉप कर रही हूँ, ये सॉरी, ये इस सेल के अंदर हम क्या करेंगे, उन फीचर्स को रखेंगे सिर्फ जिनको हमने ड्रॉप करना है, और हम पांडास का ही एक बिल्ट इन फंक्शन मंगवाएंगे ड्रॉप का, जिसमें से हम उन कॉलम्स को निकाल देंगे जो कॉलम्स हमें नहीं चाहिए। इसकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये और एक्स एक्सिस हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि वो हमारे पास कॉलम पे मौजूद है। कॉलम जो होते हैं वो हमारे हमेशा एक्स एक्सिस कहलाएगा, एक्सेस 1 कहलाएगा, ठीक है। और एक्सेस जो सिर्फ एक्सेस है दैट्स मीन, तो दैट डेफिनेटली वो हमारा रॉ वॉइस है। अब ये कॉलम वाइज ये सारी, ये कॉलम ये इस तरह से वर्टिकली जो ये हमारे कॉलम्स आ रहे हैं ये सारे उन कॉलम्स को निकाल रहा है जिसमें जो कि हमने इसको यहाँ डिफाइन करें, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे से इन कॉलम को रिमूव कर दिया, इसके बाद हम जब इसका हेड चेक कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे पास ये कॉलम्स बचे। अच्छा, डेट एंड टाइम आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा क्योंकि वहां पर ऊपर जो मौजूद है वो मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया इसको, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगी। ये डेट एंड टाइम अंडरस्कोर UTC, इसको इससे हमने चेंज किया है, तो दैट्स वाई ये यहाँ पर डेट एंड टाइम दिख रहा है। अभी आप इसको ऐसे कंसीडर नहीं करें, जस्ट आप इसको ऐसे कंसीडर करें कि ये UTC ही है, ठीक है। और ये कंडीशन, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, हमने इन कॉलम्स को अपने पास रखा है। अच्छा, यहाँ ये जो नाम चेंज हुए हुए दिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर इस कॉलम में इनके नाम भी असाइन कर रहे हैं। अच्छा, नाम किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, इसमें भी रीनेम का एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है जिसको हम कॉल करते हैं तो जो हमारे कॉलम के नेम है वो उसके उस कॉलम के नेम से रिप्लेस कर देता है। उसको देने का मेथड किस तरीके से, एज अ डिक्शनरी। ये देखें, इसको हम डिक्शनरी की फॉर्मेट में ही इस तरीके से दे रहे हैं, लाइक हम एक जो हमारा DF है हम उसको रीनेम कर रहे हैं पांडा से ही, और हम इसको कह रहे हैं इंडेक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग है, एंड यू नो दैट दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स बिकॉज इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स अ नंबर वैल्यू, तो सो इट्स अ अल्फाबेटिकल वैल्यू, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट्स अ स्ट्रिंग। एंड कॉलम नेम, ये जो हमारे कॉलम नेम है इनको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहे ना ये हमें ये काउंट्स काउंट्स क्या है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया कंडीशन से। ह्यूम क्या है तो हमने इसको ह्यूमिनिटी से चेंज कर दिया। टेम्पम क्या है तो टेम्परेचर से कर दिया, लाइक डेटा डेट एंड टाइम UTC इसको हमने टाइम एंड इससे सेट कर दिया। जब हम इस फंक्शन को चला देंगे तो चलाने के बाद क्या होगा, लाइक हमारे पास इस तरह से ये डेटा सेट आ जाएगा। यहाँ से हमने इसको रिमूव भी कर दिया उन कॉलम्स को जो कि हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पर हमने उनका नाम भी चेंज कर दिया है जो कि हमें नाम एक अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, लाइक हमारा डेटा अच्छे तरीके से समझा जाए पढ़ा जाए, तो हमने क्या करा उनको एक प्रॉपर नाम भी दे दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेटा सेट आ गया है ये काफी प्रॉपरली आ गया है, लाइक अब इसमें हमें पता चल रहा है कि डेट एंड टाइम यहाँ पर मौजूद है भाई, कंडीशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है डॉट हेड में दिख रही है, ह्यूमिडिटी कितनी दिख रही है, ये टेम्परेचर हमें अच्छे से दिख रहा है। अच्छा, आप लोग अगर चाहें ना तो ये कोलैब वाले ने बड़े अच्छे ऑप्शंस दिए हैं, लाइक आप इसको जो प्रेस करोगे तो आपको ये सारे ना इनके अंदर के भी ऑप्शंस वगैरह ये शो करवा दिया करेगा। ये अभी आप उसलिए शो नहीं करा क्योंकि ये सेल मेरा पहले का चला हुआ है तो ये अभी रनिंग में नहीं है, तो लाइक हम अब नीचे चले जाते हैं। ये मेरा सेल यहाँ तक तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, कोई इशू तो नहीं है कि हमने किस तरीके से नाम को रिप्लेस किया है और ड्रॉप किस तरीके से किया है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है अभी तो वो पूछ सकता है, एनी इशू अबाउट लाइक मैंने जहां तक एक्सप्लेन करी है चीजें तो नो मैम, ओके ठीक है।
ठीक है, अब हमने ये क्या नंबर कहा, समझ आ रहा है, अब थोड़ा इजी। सॉरी मैम मैंने कहा समझ आ रहा है अब, थोड़ा थोड़ा इजी हो रहा है ना टाइम के हिसाब से। हाँ ओके चलें, ठीक है जी। अच्छा ये हमारा डेटा, हमें अब इसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। ये हमारे पास जो चीजें निकल कर आई हैं, हमें इसको अब क्या करना है, आगे अपने मॉडल के लिए इसको आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। कहाँ पर थी ये, चलिए जहाँ भी एक सेकेंड। यस हम यहाँ तक थे, ये आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया कि ये किस तरीके से चीजें, ये क्योंकि इसमें यहाँ पर मैंने इस तरीके से इंट्री करी थी, ये हमारा शेप आ गया, यहाँ पर हमारा ये डेटा सेट निकल कर आ गया, क्योंकि इसमें एक साथ सब कुछ हुआ था ना, तो वो आप लोगों को क्लियर नहीं होता। तो यहाँ तक तो आपको चीजें समझ आ गई, ठीक है। ये हमारे पास डेटा आ गया, अब क्या कर रहे हैं हम, अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि भाई हमारे पास कितनी नल वैल्यूज हैं और हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप पड़े। अब हम अलग से निकाल कर, अब हमें सिर्फ इन इनको देखना है, इन तीनों को, इन फीचर्स को देखना है कि इसने क्या काम करने। अब हम इसमें चेक कर रहे हैं वेदर डेव डॉट डेटा टाइप, हम इसके डेटा टाइप को चेक करेंगे, और क्या है वेदर डॉट इंडेक्स डॉट डी टाइप, हम इसके इंडेक्स के डेटा जो मौजूद है उस पे कौन कौन से डेटा टाइप पड़े हैं। तो अब हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं आप स्मोक और ये इस तरह के, ये इसमें ये इंटीजर उसमें भी नहीं है ना, ये फ्लोट उसमें है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें है, टाइप में है। फिर हमारे पास ह्यूमिडिटी पड़ी है, ये नो आपको ये दिख रहा है, ये डेसिमल वैल्यूज में, दैट्स मीन ये फ्लोट वैल्यूज के अंदर है। इसी तरीके से टेम्परेचर भी हमारा किस तरीके से है, इंटीजर तो वो डेसिमल वैल्यूज है, दैट्स मीन फ्लोट्स में, ठीक है। तो डेटा टाइप हमारा ऑब्जेक्ट और डेटा टाइप इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स वेदर का है, जो हमने अलग से वो किया है, उसको हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं डेटा और टाइम, डेट टाइम जो है ये हमारे पास किस फॉर्मेट में आ रहा है, इस तरह के जो फॉर्मेट में आता है ना, कि ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो इस तरह के फॉर्मेट में लाने के लिए हमें इसमें एक फंक्शन लगाना पड़ता है, लाइक दिस वन, डेट एंड टाइम वेदर डॉट इंडेक्स df डॉट इंडेक्स फॉर लेदर करके, नहीं ये यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये मैंने यहीं कर दिया, डेटा सेट शेप रॉ एंड कॉलम वेदर डॉट शेप, हाँ बेटा अभी आप वहां जाओ, अभी मुझसे बात नहीं कर रहे। अच्छा यहाँ पर हमें ना अपने फॉर्मेट को चेंज करना पड़ता है, ऊपर आपने देखा होगा कि एक डिफरेंट फॉर्मेट था, यहाँ हमने उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया, लाइक ईयर को, मंथ को, डेट को, टाइम को भी बिल्कुल सेपरेट कर दिया, लाइक आवर मिनट एंड सेकेंड हमें इस फॉर्मेट में लाना पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास डेटा आता है ना, लाइक वो इस फॉर्मेट में नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपना फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है। आई थिंक वो ऊपर मौजूद है, मैं आपको दिखा दूं डेटा आया किस तरीके से था, टाइम सीरीज का, तो वो थोड़ा चेंज होता है लाइक दिस, इस तरह से आता है डेटा हमारे पास जब हम उसको लेकर आते हैं ना, तो हमें ये फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है। इसको चेंज करने के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है कि भाई वो अगर आप इस फॉर्मेट में अपने मॉडल को डेटा दोगे टाइम सीरीज का, तो वो एरर दे देगा, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करने के लिए हमें एक फॉर्मेट यूज करना पड़ता है, वो ये फॉर्मेट है हमारा, ठीक है, पीडी डॉट डेट एंड टाइम, ये भी इसका भी ये एक बिल्ट इन फंक्शन ही है। यहाँ पर हम इसको ये इसके चेंज कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं कि क्या करते हो, लैम्डा एक्स डेट एंड टाइम डॉट स्ट्रिप टाइम, और ये इस तरीके से आप उनको ये देख रहे हैं ना, स्ट्रिप टाइम कर रहा है कि ये एयर मंथ डेट और आवर मिनट्स एंड सेकेंड, और इस पूरे टाइम को इसने इस फॉर्मेट में चेंज करके हमें इस तरह से शो करके दिखा देगा। ये फॉर्मेट चाहिए होता है हमें डेटा की ट्रेनिंग के लिए।
अब जब हम इसको इसमें चेंज कर लेंगे, तो जब हम फिर ये इस तरह से, जब ये डेटा भी हमारा दिख रहा है, जब हम ये फंक्शन अप्लाई कर लेंगे, तो फिर ये हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और अब यहाँ पर हमें वो चेंज उसके अंदर दिखेगा, लाइक दिस फॉर्मेट, इस तरह के फॉर्मेट में फिर हमें देखेगा। ये पॉसिबल है कि ये इस तरह का फॉर्मेट हमारे मॉडल के अंदर चल जाता है, ठीक है। अगर हम उस तरह का फॉर्मेट देंगे तो वो इस तरह हमें एरर दे देगा। अब हम इसके अंदर चेक कर रहे हैं कि हमारे पास लाइक जो हमारे पास ये जो फीचर्स आ गए हैं, इन पे कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे df डॉट इज नल, ठीक है। इज नल इज अ सेपरेट फंक्शन एंड डॉट सम इज ऑल्सो इज अ सेपरेट फंक्शन। लेकिन हम यहाँ दोनों को इसलिए एक साथ कॉल इसलिए कर रहे हैं, अगर हम दोनों को अलग अलग चलाएं, ये दो एक अलग अलग पांडास के फंक्शन है। इस नल का मकसद ये होता है कि ये इसमें चेक करेगा कि कहीं कोई नल वैल्यू पड़ी है, ये अलग से दिखा देगा। लेकिन हम सम क्या कर रहे हैं कि भाई पूरा सम करके दिखा दो हमें, टोटल काउंट करके बता दो डॉट सम। तो यहाँ पर हम df जो हमारा डेटा फ्रेम है, तो हम दो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं पांडास के पहले तो तुम चेक करो कि इसमें कितनी नल वैल्यूज हैं और देन उनको कैलकुलेट कर हमें दे दो। देखा मतलब लाइक जब हम डेटा, हम इस तरह के लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, तो वो इतने बड़े बड़े जो लंबे हमारे सैंपल्स पड़े होते हैं, उनको विद इन अ मिनट भी नहीं, लाइक अ सेकंड से भी, लाइक नैनो सेकंड से भी कम में वो पूरा कैलकुलेट कर हमको को लाके दे देता है। अच्छा अब ये यहाँ पर बता रहा है इज नल वैल्यू कितनी है, कंडीशंस पे 72 पड़ी है, ह्यूमिडिटी पर हमारी पड़ी है 757 और टेम्परेचर पर पड़ी है 673। अच्छा अगर हम इसी फॉर्म में अपने डेटा को दे देते हैं मॉडल को और वो मिसिंग वैल्यू हो, तो हमारा मॉडल तो मतलब वो तो मतलब बायस हो जाएगा कि भाई इसमें तो मिसिंग वैल्यूज हैं, तो हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा हमारे पास एक फंक्शन होता है डॉट फिल का, एफ फिल का, जो कि क्या करेगा, हमारे जो वैल्यू मिसिंग है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो हमारे जो उस पे वैल्यूज पड़ी होती है ना ऑलरेडी, जो वो जो रीड करता आ रहा होता है एक सीक्वेंस में, तो वो उसी सीक्वेंस को देखते हुए उसका मीन निकाल कर और स्टैंडर्ड और सब निकाल कर वो खुद ही, मतलब लाइक आप इसको अगर इंडिविजुअली आप इसको जब देखोगे, ये लाइक एक बिल्टिन फंक्शन है, लेकिन जब आप इसके मैथमेटिक्स में जाओगे तो फिर आपको इन डिटेल पता चले जाएगा कि वो ये मीन निकाल, ये फिल कैसे करता है, ये हमारे उन कॉलम्स पे जाता है और जो हमारी वैल्यूज पड़ी होती हैं उनको रीड करता है, लाइक कि उससे ऊपर वाली वैल्यू में क्या आ रहा है, उससे नीचे वाली वैल्यू में क्या आ रहा है, उस लाइक अगर हमारे पास 1, 2, 3 इंडेक्सेस हैं और 1 पे कोई वैल्यू पड़ी है और 3 पे भी कोई वैल्यू पड़ी है और 2 पे वैल्यू नहीं पड़ी है, तो वो क्या करेगा कि 2 को कैसे कवर करेगा, वो क्या करेगा लाइक 1 को और 2 को 3 को ऐड करेगा, उस तरीके से वो स्टैंडर्ड उसका निकाल कर और डिवाइड कर कर देन वो खुद से ही ऑटोमेटिकली 2 की वैल्यू जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पांडास में ये एक फंक्शन मौजूद है, हम मैन्युअली करें तो वो भाई बॉडी हेडेक हो जाएगा मान लिए, तो पांडास ने क्या करा, ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, इसीलिए अच्छी है कि इसमें फीचर्स बहुत अच्छे हैं कि इसमें एक बिल्ट इन फंक्शन ये भी मौजूद है कि जो क्या करता है, फिल कर देता है हमारी उन वैल्यूज को जो उसमें मौजूद नहीं होती है, और इन प्लेस भी करा रहा है साथ के साथ, हम इसको एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं कि इन प्लेस भी कर दो ट्रू, मतलब वैल्यू जनरेट तो कर दे लेकिन इन प्लेस ही नहीं हो रही वो, भाई आपको वैसे दिख रही है लेकिन जब आप उसको प्रोसेस करने के लिए जा रहे हो तो वो इन प्लेस ही नहीं हुई है, तो इसलिए हमने इसको एक आर्ग्यूमेंट भी दिया कि इन प्लेस भी कर दो, इन प्लेस को क्या कर दो ट्रू कर दो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर तो हमारे पास फुल हो गई, अब नेक्स्ट हम उसको दोबारा चेक करेंगे इज नल, लाइक जैसे हमने यहाँ चेक करा था इज नल कि कोई नल है, तो देखो इसने ये सारी यहाँ पर हमें वैल्यूज दिखाई थी कि ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद नहीं है। अब जब हमने इस पे ये फंक्शन लगा दिया फिल का, तो अब देखो लाइक अब जब ये चेक कर रहा है, अच्छा सेकंड, अब देखो यहाँ पर भी दो फंक्शन लग रहे हैं, वहां क्या हो रहा था ऊपर सम हो रहे थे, इनको इस नल को कैलकुलेट करके सम कर रहा था, एंड अब देखो यहाँ पर ये दूसरा फंक्शन लग गया, लाइक अब यहाँ पर भी दो फंक्शन लग रहे हैं, इस नल को उसने देखा और उसके बाद उसने काउंट करा, ठीक है। अब वो काउंट कर रहा है क्या कोई अभी बाकी है, तो अब वो क्या कर रहा है लाइक अब वो सबको चेक करा, उसने यहाँ ऊपर तो उसने फिल कर दिया, अब फिल करने के बाद नीचे जो कॉलम हमारे पास, हम जो नीचे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं लाइक इसमें ये तीन फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, यू नो लाइक फिल का, इज नल का और काउंट का, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको इस तरह से कैलकुलेट करा तो देन देखो इसने सब कह दिया 0 0 0, दैट्स मीन अब कोई नल वैल्यू नहीं है,
सारे हमारे जो फीचर्स है लाइक कॉलम्स, उनके इंडेक्सेस सारे फिल हो चुके हैं। अब उनके उनके इंडेक्सेस पर कोई भी नन वैल्यूज मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं इसका, लेट्स विजुलाइज कंडीशंस। अच्छा, कंडीशन की जो वैल्यूज है उनको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ग्राफ के जरिए हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा लाइक कंडीशन का फीचर है वो हमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से लाइक अगर टेम्परेचर का फीचर है वो पूरे एयर के अंदर, या लाइक कितने साल का उसने डेटा उठाया है, मतलब उसने मतलब मैंने इसको अच्छे से भी डेटा को देखा नहीं है, लाइक उसने काफी सारे सालों का डेटा उठाया है, तो उस काफी सारे सालों में किस तरीके से किस तारीख को कौन सा कंडीशन रही है, फिर नेक्स्ट ईयर उसी तारीखों में क्या कंडीशन रही है। तो लाइक हम क्या कर रहे हैं, जितने भी उसने एयर का हमें डेटा दिया है उसमें हम यहाँ पर टोटल कंडीशंस को काउंट कर कर उसकी वैल्यू काउंट कर कर उसको 100 से डिवाइड कर कर ओवरऑल एक हम परसेंटेज निकाल रहे हैं कि कंडीशन के वेदर कंडीशन की क्या परसेंटेज रहेगी, ठीक है। तो ये देखो आप ये बता रहा है कि ये यहाँ पर ये कंडीशंस ये सारी दिख रही हैं आप लोगों को, कि ये हर किस तरीके से ये कंडीशन इस मतलब जो वो दिल्ली का इलाका है तो उसमें किस तरीके से ये सारी कंडीशंस रही होंगी, ठीक है। ये सारी कंडीशन डिफाइन कर रहा है, ये सारे इसके लेबल मौजूद हैं कि इसमें कौन कौन सा फॉगी था और मिस्ट था, मतलब लाइक ये सारे इसने डिफाइन कर दिए। यहाँ तक आप देखें ये क्या लिखा हुआ है, लाइट फ्रीजिंग रेन, तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, लाइक होती ही नहीं है, कभी हुई नहीं है। फिर लाइट हाफ इस शॉवर, लाइक ये भी बिल्कुल भी नहीं है, लाइक ये जो जितनी भी कंडीशन है ना, जितने भी सालों की कंडीशन है लाइक, तो ये इसने ये सारी आपको कंडीशन शो कर दी है। इस तरीके से जब हम डिफरेंट ग्राफ बनाते हैं ना, तो हमें डेटा का विजुअलाइजेशन करने से हमें बहुत अच्छे से चीजें पता चल जाती है, ना कि हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर जाएं और देखें। तो इस तरह से आप लोग डिफरेंट ग्राफ बना के देखिएगा, इस तरह से आपको एकदम पता चल जाएगा, ओ दिल्ली में भाई ज्यादातर तो कैसा मौसम रहता है, लाइक ये क्या लिखा हुआ है, फिजी रहता है, ठीक है, स्मोकी रहता है, ठीक है। हम बता सकते हैं लाइक दिल्ली में ज्यादातर का मौसम क्या है, और ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहां पर भाई फ्रीजिंग रेन हो और इस तरह से हो, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। हाय अनम, तुम कैसे पढ़ाती हो, मेरा तो गला खुश हो गया। बस आई थिंक यहाँ तक बहुत है, और फिर कोई ना कोई नोटबुक मैं शेयर करती हूँ इन लोगों से, तुम रिलैक्स करो। राबिया, लेकिन क्योंकि तुम्हें फिर बोलना है अभी, राबिया अपनी नोटबुक शेयर कर रही है, उसको ओके स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करते हैं, मल्टीपल ओके स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर रही हो। राबिया अपनी नोटबुक शेयर करो, बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या तुमने सीखा है। तुम पानी वानी पियो, जवेरिया को बोलो पानी पिला। हाँ मैं देखती हेलो राबिया, यहाँ पे हो? यस मैम, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं मैम। यस यस मैम, मैं बस कर ही रही हूँ। जी, श्योर। मैम थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ना। क्या बारा बोलो राठा, मैम स्क्रीन शेयर होगी? स्क्रीन शेयर हो रही है? तुम डायरेक्टली वो वाली नोटबुक खोल लो जिसमें तुम्हें कुछ पूछना था। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ।
पुरानी नोटबुक्स में से खोलना है तो तुम्हें, यस मैम, पुरानी नोटबुक थी मैम, शेयर हो रही है स्क्रीन? शेयर हो रही है। अच्छा तुम्हारी जो नोटबुक है मैम आवाज आ रही है? आवाज बिल्कुल आ रही है। तुम ये बताओ तुम्हारी जो बाइनरी वाली और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन वाली दोनों नोटबुक्स तुम्हारी वो है बनी हुई है? हेलो हेलो मैम हेलो। तुम्हारी आवाज आ रही है? ये इस बच्ची को क्या प्रॉब्लम आ रहा है इस नोटबुक में? पता नहीं अभी इसने भी वही वाली डेली क्लाइमेट वाली नोटबुक ही आई थिंक बनाई है या पहले से बनी हुई है। अनम्यूट नहीं हो रहा, एक मिनट रुको मैं इसको अनम्यूट करती हूँ। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का, उसको अनम्यूट करो। राबिया आई थिंक फिर तुम दोबारा ज्वाइन करो, इसको लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि मैंने तुम्हें दो तीन दफा ऑप्शन भेजा है अनम्यूट का। आई डोंट नो कि क्यों नहीं हो रहा। She is still mute. मैम क्या करें मैंने नहीं, अनम्यूट तो हो गए हम सब, लाइक तुमने ऑप्शन दबाया। हाँ मैंने ऑप्शन दिया सबको कि सारे ही अनम्यूट हो जाएं, लेकिन स्टिल राबिया अनम्यूट नहीं हो रही। राबिया चैट कर रही है? मैम राबिया ने अभी वो शेयर किया था, स्क्रीन शेयर की थी। आई थिंक उसको जो एक ऑप्शन होता है ना म्यूट के साथ, एक ऑप्शन होता है एरो की ऊपर जा रही होती है, वहां से लैपटॉप में कुछ वो करने होते हैं, लेकिन अभी तो बात कर रही थी जब तक आवाज आ रही थी। हाँ, तो बोलो तुम अपनी नोटबुक शेयर कर लो और चैट करती जाओ, हम चैट में देख लेंगे क्या इशू आ रहा है। राबे नोटबुक शेयर करना अपनी चैट में, फिर हम उसकी नोटबुक को खोल लेते हैं। बाकी एक नोटबुक और मुझे स्क्रीन मिली थी। लाइक स्क्रीन शेयर कर ले वो, उसको स्क्रीन शेयरिंग अलाउड कर लो और चैट में अपने इश्यू बताती चली जाए, और इसको हम कहेंगे स्क्रॉल करो, आप करो, लाइक हम उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। अब मैं देखती हूँ क्या कह रही है। अदरवाइज एक नोटबुक और मैंने देखी थी, उसको देख लेती हूँ। मोबाइल से जॉइन करके करती हूँ अनम्यूट। ओके ठीक है, तुम नोटबुक खोलो। कौन सी नोटबुक में प्रॉब्लम है?
मैम शेयर हो रही है। अब तुम अपने अपना जो लैपटॉप है ना उसके ऊपर एक साइन होगा जिसमें आवाज बंद हो जाती है, उसकी उसकी आवाज बंद कर दो ताकि तुम्हारी आवाज दोबारा सर्कुलेट ना हो। लैपटॉप को म्यूट कर दो, मतलब तुम्हारी चैट तो म्यूट है, बस लैपटॉप को म्यूट कर दो, फिर तुम बोलती रहो। और बताओ क्या मसला है। मैम वो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलो बोलो, ऐसे ही बोलो। मैम जैसे कैगल से आपने डेटा उठाया था ना, तो वो मैंने सेम तरीके से ये फिर उसको की दी थी, उसके बाद ये सेल रन किया। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी तुम अपने आप को म्यूट करो, रुक जाओ रुक जाओ। देखो तुम, ये नीचे वो क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कैन नॉट स्टार्ट कैगल डॉट जेसन, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर तुम ये फाइल लेके ही नहीं आई हो ना लैपटॉप से, ये तो हर दफा तुम्हें लानी पड़ेगी जब जब तुम केगल से डेटा उठाओगी। तो नहीं, अब ऊपर वो एरो की जो अप की है, अप एरो की है ऊपर, देखो फाइल्स के नीचे, इधर नहीं, हाँ इधर, इस पे जाओ और डाउनलोड्स में जाओ। नहीं बेटे, हाँ इधर एक जाओ, सेकंड रुक जाओ, अभी डाउनलोड नहीं करो, दोबारा एरर देगा वो तुम्हें। अब तुम रीस्टार्ट करो पूरा रन टाइम। हाँ ये भी ठीक है, पहले तुम रीस्टार्ट कर लो इसको नहीं ये तुम्हें रन एरर टाइम। देगा अगेन एंड अगेन, तुम रन टाइम पर जाओ। रन टाइम, हाँ बेटे, ये टूल के बराबर में लिखा है ना, रन टाइम ऊपर जाओ, या रन टाइम, रन टाइम हाँ नीचे आ जाओ, डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम कर दो, नीचे आओ। यस अब आप पहले पहला वाला सेल चलाओ और आप अपनी वहां से जैसन फाइल उठा के लेकर आओ। हाँ आप जैसन फाइल भी उठा लो जब तक ये रन हो रहा है। बच्चे हाँ दैट्स अभी कोई सेल मत चलाना। हाँ ये उठा लो। मैम ये मुझे दोबारा लाना पड़ेगा या ऐसे ही इसको रन कर दूँ? नहीं, सब सही है, अब चला दो सेल, कोई मसला नहीं आएगा। मैम ये अब मुझे ना इधर एरर दे रहा है। यार एक मिनट अर्षी, तुमने देखा? हेलो, हाँ अनम मैं देख रही हूँ। अच्छा इसने क्या लॉजिस्ट तुम्हारे फिट में ये प्रॉब्लम आ रहा है? लॉजिस्टिक, लेकिन ये वाला मॉडल इसने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का लगाया है, इसमें लीनियर रिग्रेशन नहीं लगा हुआ। ऊपर जाना जरा, ये देखो अच्छा तो इसका मॉडल जो मॉडल डिफ, मॉडल डॉट और हाँ लॉजिक तो रिग्रेशन। इसके फीचर्स फीचर्स है, देखो कि वो अभी जो दो ही इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के दो ही वेरिएबल है,
ऊपर देखना जरा, ऊपर दिखाओ जरा मुझे मॉडल की। ठीक है ये दिखा रहा है 85 रोज और 4 कॉलम्स। और हाँ कॉलम है ये, क्लाइमेट का ही लेकर आइए डेटा सेट। हाँ क्लाइमेट का है लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाइए। तो यस और नो किस कंडीशन में चाहिए इसको? अगर ये बाइनरी की तरफ जा रहे हैं तो यस और नो। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये भी तो देखना होगा ना, कि ये करना क्या नहीं चाह रहा है। तो बेटा आपने जो डेटा सेट उठाया जरा उस पर तो जाओ, मतलब आपको पता है आप डेटा जो लेकर आई हो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था आपने। नो मैम मैंने नहीं पढ़ा। नहीं लेकिन आपको हमेशा याद रखना है जो डेटा सेट उठाओ आपको पता होना चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन। लाइक जो आप डेटा लेकर आ रहे हो आपने उससे निकालना क्या है। अगर आपने येस एंड नो निकालना है तो आप कौन सा एल्गोरिथम यूज करोगे। ठीक है, आपने कोई वैल्यू निकालनी है तो आप कौन सा एल्गोरिथम निकाल कर लाओगे। जैसे हम प्राइस पर करते हैं कि भाई इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए या क्या, मतलब ये उस इलाके में घर है, जैसे इस तरह से हम वो एक अलग एल्गोरिथम पर करेंगे, उसमें यस एंड नो थोड़ी होगा। अगर ये डेटा मतलब रिग्रेशन का है तो आप इसको क्लासिफिकेशन पर कैसे लेके जाओगे। ठीक है, और अगर मल्टी क्लासिफिकेशन है तो आप कैसे उसको सिर्फ सिंपल उस क्लासिफिकेशन पर लेके जा सकते हो यस एंड नो पर। तो हमेशा जब भी आपको डेटा दिया जाए तो आप डेटे को देखो, उसको समझो, और जो आपका क्लाइंट हो आप उससे पूछो कि उसको आउटकम क्या चाहिए। मैम इसका पहले मतलब तो तो ये, आज मॉडल आपने चलाया वो ही रन होगा इस पे लिनियर वाला? नहीं, हमें पहले देखो जो मैं तुम्हें कल समझा रही थी ना, कि हमें ये देखना है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। पहले तो तुम ये बताओ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हाँ हम क्या मतलब हम ये देखना सोल्यूशन क्या चाहते हैं निकाल कि रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, या हम ये देखना चाहते हैं बारिश होगी कि नहीं होगी। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी तो 0 और 1 की वैल्यूज आ गई, वहां पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे अच्छा, इसको नीचे से नीचे वाले सेल्स भी दिखाओ, ये लास्ट सेल है यहाँ तक तुमने किया, इससे आगे भी कुछ है? प्रिडिक्शन, हाँ जब वो मॉडल बना ही नहीं तो प्रिडिक्ट कहाँ से होगा। ठीक है नीचे आओ। अच्छा, और दूसरा एक स्मार्ट जो है वो मूव ये होता है, जब हम अगर कहीं से ऊपर, अब सबसे ऊपर चले जाओ, जब हम किसी जगह से भी मॉडल को उठाएं तो वहां पे तुमने कहीं से भी उठाया हो तो उसने अपने सेल्स को डिस्क्राइब किया होगा, तो तुमने यहाँ पे एक टेक्स्ट, हर सेल के ऊपर एक टेक्स्ट सेल ऐड करना है, और ऐड करके हर सेल को डिस्क्राइब करो और हर हर मॉडल को डिस्क्राइब करो कि मॉडल करने क्या वाला है। और जब तुम उसका नाम रखो तो वो मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। जैसे तुमने बहुत अच्छा नाम रखा है क्लाइमेट डेटा, तो मे बी इसका नाम वहां पे भी यही हो, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि करना क्या चाह रहे हैं। तुम इसको ना, इस वाले मॉडल की को शेयर करो। शेयर करना आता है? यहाँ शेयर, इधर लेफ्ट पे शेयर का एक ऑप्शन आ रहा है, शेयर पे जाओ। हाँ, अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसको रिजॉल्व करो, रिस्ट्रिक्टेड को खत्म कर दो। एनीवन है ठीक है, कॉपी लिंक करो, एनीवन है ठीक है, कॉपी कर दो लिंक, इसको चैट में भेज दो, और मुझे या अर्शी को तुम वो दो इसकी ये भेज के ना, तो अपने स्क्रीन कंट्रोल हम तुम्हारी करें तो फिर देख इसको देखें अभी अर्शी, कि यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। आनंद जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि ये डेटा का क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं होगा डेटा का, तो मैं कैसे मुझे पता चलेगा इससे इसको चाहिए क्या, इसको उसका अच्छा आउटकम क्या एक चाहिए, तभी एक तो मिनट मैम रुक हम जाओ, अब एल्गोरिथम डिसाइड कर पाएंगे ना। राबिया, राबिया तुम अपने स्क्रीन शेयरिंग बंद करना जरा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसको हम एक दफा रीड तो कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 8 मिनट है, तो इसको रीड करके हम, मेरी स्क्रीन अभी लोड हो रही है। यहाँ पे तो सिंपल इसने डेटा उठाया, डेटा को अनजिप कर दिया, अनजिप करने के बाद इसने इसको दोबारा क्यों, अच्छा हाँ रीड करा दिया, फिर इसने कॉलम्स चेक कर लिए, इसमें कॉलम्स कितने हैं, और उसके बाद इसने का एक वेरिएबल बनाया, फ्लोट डेटा इज इक्वल टू क्लाइमेट डेट एंड व्यू, जहाँ पे फ्लोट अंडरस्कोर डेटा है। ठीक है, ये लर्निंग करा रहा है, लर्निंग -9 है या 1E-9 है? क्लाइमेट डॉट शेप हेड इन्फो,
क्लाइमेट दोबारा इसको और फिर इज नल करके सम कर दिया कॉलम्स डिस्क्राइब। इसमें यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे इसने अभी स्लाइसिंग की, स्लाइसिंग करने के बाद ये क्या कर रहा है, स्प्लिटिंग कर रहा है। अच्छा अर्शी एक चीज देखो, इसमें स्प्लिटिंग का क्या क्या चक्कर है, यहाँ पे तो कोई इसने 0.25 या 0.30 कुछ भी नहीं शो किया हुआ, तो इसकी स्प्लिटिंग हाँ किसके ऊपर हुई होगी, हाँ स्प्लिटिंग का भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब स्प्लिटिंग तो किस हुई कितने नहीं है। परसेंटेज पर आपने स्प्लिटिंग करी है बेटे। रैंडम हाँ नहीं हुई सीट है। आपने 2 रखी है, मतलब बेहतर ये होता है आप 0 रखो या 42 रखो, मतलब जैसे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं ना हर चीज के, ऐसे मतलब ये कुछ स्टैंडर्ड है, आप 2 रख सकते हो लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये होता है। वो इसीलिए तो अच्छा वो बेचारा अगर आपको हमने मिल रहा स्प्लिट, अच्छा एक और चीज मिस देखो हो रही है कि यहाँ पे हमने स्प्लिटिंग कर दी, और हम यहाँ पे एक सेल होना चाहिए जिसके अंदर सब कुछ डिफाइन होना चाहिए कि मॉडल बन रहा है, और मॉडल बन है। नहीं गया और और ट्रेन इसमें हो लाइक गया। ये वाई जो ये कर रही है एक्स एंड वाई, लाइक वाई हाँ है क्या, कौन सा कॉलम इसने वाई के लिए सिलेक्ट करा है, आउटकम क्या वाई है, टारगेट, वाई टारगेट होगा, वाई टारगेट होगा, और ये वाई टारगेट है, फीचर कौन सा ले एक्स रही है वो। एक्स इसका जो है वो होगा था डेटा के इतने जितनी वो आ रहे होंगे, फीचर्स आ रहे होंगे, लेकिन मसला अलग यहाँ पे ये है कि ये जो 85 रोज है ना, अच्छा ये इसने अलग उनको करा है टारगेट, ऊपर। हाँ एक्स वाई ट्रेन इनको नॉट टारगेट, ट्रेन, इसलिए इसलिए ऐसा हो रहा है कि स्प्लिटिंग नहीं हुई भी। यहाँ पे स्प्लिटिंग कहाँ है कि जो इसको बताया कि 30% या 20% या 40%। अब ये देखना पड़ेगा कि अगर रैंडमली ऐसे हम डिसाइड कर रहे हैं तो वो रैंडमली कोई स्प्लिटिंग करता है खुद से, बाय डिफॉल्ट कोई स्प्लिटिंग खुद से होती है, वैसे मैंने आज तक नहीं नहीं देखी। नहीं 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 होती है। हाँ मैंने भी नहीं देखी आज तक। और डेटा टाइप देखिए इसने कॉलम के क्या क्या थे सारे, सारे डेटा, अच्छा हाँ सॉर्ट सारे डेटा टाइप, और नहीं ये होते वाले कॉलम बचे हैं अब, नहीं इसमें। मीन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। अच्छा एक चीज मैं खोलती हूँ, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, ये जरा तुम सब देखो कि ये किस तरह का मॉडल है। अगर मैं इसको सोच रही थी कि इसको इसको भी हम एक्सप्लोर करते। राबे तुम भी ये वाला मॉडल देखना, और इसको मैं शेयर कर देती हूँ, इसके ऊपर काम करो, सब सभी इसको देखते हैं हम। इसमें जितने ज्यादा वो दिए हुए ना, लाइक उसके ग्राफ्स के थ्रू समझ में आ रहा है चीजें, और कोड भी बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें इन्होंने जो है ना, ये इसने देखना है कि मिल्क कौन सी, पहले तो ये देखा है कि मिल्क की प्रोडक्शन कितने साल में कौन सी रही है, मंथली मिल्क की प्रोडक्शन कितनी है, और फिर ये भी देख रहे हैं कि अगर मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मिल्क की प्रोडक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो यहाँ तो इसने सारी लाइब्रेरीज मंगा ली हैं, लाइब्रेरीज मंगाने के बाद इसने डेटा लोड किया CSV में, इसको फिर इसका हेड चेक किया, फिर इसका टेल चेक किया, शेप चेक किया, डिस्क्राइब कर दिया, फिर अब ये कह रहे हैं कि अब इसने एक फिगर प्लॉट किया मंथली मिल्क की प्रोडक्शन क्या है, फिर इसकी सब प्लॉटिंग कर रहे हैं, दोबारा इसको प्लॉट के थ्रू चेक किया। अच्छा इसने फिर सीजनल डीकम्पोज एक एक वो बनाया है, वेरिएबल बनाया है डीकम्पोजिशन के नाम से, और फिर इसको सीजनल डीकम्पोज करके DF की प्रोडक्शन, DF में इसके पास एक कॉलम पड़ा होगा प्रोडक्शन, और पीरियड भी इसको डिफाइन कर दिया, और मॉडल भी डिफाइन करके इसको चेक कर लिया कि प्रोडक्शन कितनी है। तो ये 1962 से 74 की प्रोडक्शन बता रहा है, ट्रेंड में कितनी थी, सीजनल कितनी है, और रेजिड्यू, आई थिंक ये रेजिड्यू का कोई छोटा फॉर्म है, वो डेटा के थ्रू बता रहा है। अगर ये समझ में आता है तो मुझे बताओ, मैं इसको भेज दूंगी, इसको देख लो, ये भी सारा टाइम सीरीज के डेटा के ऊपर ही है। अब ये इस तरह का जो एक वो है ना सेल, इस तरह का सेल हमारे पास वहां पे भी होना चाहिए था, जिसमें कोई फंक्शन डिफाइन होता कि अब करना क्या है। वहां स्प्लिटिंग तक तो हुआ, वह स्प्लिटिंग के बाद कुछ मिसिंग आई थिंक, स्प्लिटिंग में भी पूरी स्प्लिटिंग नहीं है।
यहाँ पे फिर ये कुछ कॉलम्स है जिनको ड्रॉप कर रहा है, फिर प्रोडक्शन के ऊपर ये दोबारा काम कर रहा है। अर्शी तुम देख रही हो यहाँ पे ये मंथली जो है इसकी प्रोडक्शन, मिल्क की प्रोडक्शन देख रहा है कि हाँ किस किस मंथ में कितनी हुई है। हाँ मतलब इन इन लोगों को मतलब मॉडल कोई सा भी मॉडल देने से दे दो, लेकिन लाइक इन लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि ये बनाने क्या जा रहे हैं। हाँ पता, आहिस्ता आहिस्ता करके ही पता चलेगा। हाँ कि मतलब किस टाइप का इनको डेटा चाहिए, अगर डेटा नहीं दे रहा क्लाइंट, ठीक है किस टाइप का डेटा चाहिए, क्या काम करना है, क्या मॉडल से हमने प्रिडिक्ट करवाना है, मतलब ये सब चीजें हमें पहले सोचनी है। आज का टास्क ही यही है कि सबसे पहले ये देखना है हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने क्या वाले हैं, हमें चाहिए क्या। अच्छा ठीक है, ये नोटबुक अभी प्रिपेयर नहीं है, ये नोटबुक प्रिपेयर हो जाए तो फिर हम उसको डेटा और नोटबुक दोनों शेयर कर देंगे स्लैक पे। और लेकिन फर्स्ट फर्स्ट हमको यही समझना है कि हमें डेट हमें हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने वाले हैं उसको डिस्कस करो, उसके बाद फिर नोटबुक हम कोई ना कोई डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्लास टाइम एक्सक्यूज खत्म हो मी गया। मैम, हाँ यस बोलो बोलो वो बस मैम कह रही थी कि बोलो। टाइम ओवर हो गया। जी जी ठीक है, अल्लाह।